तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने रविवार को हैदराबाद के प्रतापगढ़ी भवन में शीर्ष अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके केंद्र की भाजपा नीति मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पीएम मोदी पर तानाशाही के आरोप भी लगाए। सीएम केसीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुराना वीडियो दिखाया और रुपए के गिरते मूल्य को लेकर हमला बोला। वीडियो पूरा होते ही राव ने कहा कि यही जवाब हम मांग रहे थे, लेकिन आपने क्यों नहीं जवाब दिया। किसी भी प्रधानमंत्री के समय में इतना रुपया नहीं गिरा जितना मोदी जी के समय में गिरा है, क्या कारण है। सीएम केसीआर ने कहा कि इस समय रुपए का मूल्य इतना कम हो गया है। केसीआर ने कहा कि इस समय एक डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य करीब 80 हो गया है। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए केसीआर ने कहा कि किसी भी प्रधानमंत्री के समय में इतना रुपया नहीं गिरा जितना मोदी के समय में गिरा है, क्या कारण है। यही जवाब हम मांग रहे थे, लेकिन आपने क्यों नहीं जवाब दिया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आगे कहा कि मोदी सरकार लोकशाही को नहीं तानाशाही को मानती है। इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। बस यही हम लोग मांग रहे थे, हम भी वही मांग रहे थे, आपको जवाब देना पड़ेगा। क्यों नहीं दिए नरेंद्र मोदी जी, क्या बात है। आप जो कह रहे थे, अगर आप सच थे, आप ईमानदार थे, वर्स्ट एवर रूपी वैल्यू हैज गॉन टू सच ए लो, नेवर बिफोर इन द हिस्ट्री। किसी भी प्रधानमंत्री के समय में नहीं गिरा इतना जितना मोदी जी के समय में गिरा, क्या कारण है। किसी भी समय इट इज क्लोज टू 80 रुपीज नाउ। यही कारण हम पूछ रहे थे, क्यों इसका उत्तर नहीं दिए। देना चाहिए ना, जब आप पूछ सकते तो दूसरे भी पूछेंगे ना, क्यों नहीं पूछेंगे। ये लोकतंत्र है या षड्यंत्र है, क्या चला रहा है देश में। नरेंद्र मोदी जी का सरकार लोकशाही को नहीं मानता, तानाशाही को मानता है, लोकतंत्र को नहीं मानते, षड्यंत्र को मानते हैं। हाँ बिल्कुल, ये कह रहा हूं मैं, और ये देश के सामने है, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं 100 के 100% सच है। गौरतलब है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव लगातार पीएम मोदी और भाजपा सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के समर्थन में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार राज्य सरकारों को परेशान करने का काम कर रही है, अगर वे तेलंगाना में सरकार गिराएंगे तो हम उन्हें दिल्ली से उतार देंगे। उन्होंने आरोप लगा हुए कहा था कि भाजपा देश में नफरत फैलाने का काम, देश के भविष्य को बर्बाद करने का काम कर रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।